25 जुलाई 2001 ये वो तारीख है जब नई दिल्ली के 44 अशोक रोड में फूलन देवी के घर के बाहर तीन अनजाने हमलावरों ने फूलन देवी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। फूलन देवी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन फूलन देवी से जुड़ी सारी किस्से और कहानियां आज भी जिंदा हैं। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको फूलन देवी के बारे में बताएंगे। दरअसल फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को जालौन के पूर्वा गांव में हुआ था। छोटी सी उम्र में फूलन की एक गाय के बदले में 30 साल के एक आदमी के साथ उनकी शादी कर दी गई। कई वर्षों तक अपने पति के दुष्कर्मों को झेलने के बाद वो किसी तरह अपने पति के घर से भागने में सफल हो गईं। हालांकि उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। पति को छोड़ने के बाद जब फूलन अपने गाँव वापस आए तो लोगों ने उनका तिरस्कार किया, जिसके बाद गांव के लड़के फूलन को छेड़ने लगे। फूलन की मुश्किलें और बढ़ने लग गईं, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी उसकी मुसीबतें और बढ़ेंगी। दरअसल एक गैंग का सरदार बब्बू गुज्जर को फूलन से प्यार हो गया था, लेकिन फूलन को वो पसंद नहीं था, जिसके चलते उसने फूलन का किडनैप किया और फिर फूलन के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, करीब 22 लोग कई दिनों तक बारी बारी से फूलन का रेप करते रहे थे। फूलन को ठाकुर गैंग के सरदार ने निवस्त्र कर परेड भी कराया था। इतना अत्याचार सहने के बाद फूलन ने खुद का गैंग तैयार किया और एक एक कर सबको मौत के घाट उतार दिया। फूलन देवी के साथ इतना अत्याचार हुआ कि उनके अंदर का इमोशंस खत्म हो गया था। गांव में फूलन देवी का दबदबा बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, डाकू फूलन का नाम सुनकर डर जाया करते थे। पूरा गाँव फूलन को महिला डकैत बुलाते थे। भिंड के एसपी के समझाने के बाद फूलन ने आत्मसमर्पण कर दिया और 11 साल तक जेल में बंद रही थी। वहीं जेल से निकलने के बाद फूलन का राजनीतिक सफर शुरू हो गया, जिसके बाद 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की सरकारी बंगले पर शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और फूलन देवी का अंत हो गया। आपको कैसी लगी फूलन देवी की स्टोरी, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए।